हेलो बच्चों, आज मैं जो क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस मैंने रियल नंबर चैप्टर से लिया हूँ। और ये क्वेश्चंस क्लास 10 का है। और ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर है 1B और क्वेश्चंस नंबर है 21। तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। अनदर डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। दे बीप टूगेदर एट 10 AM। एट व्हाट टाइम दे बीप टूगेदर एट द अर्लीस्ट। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो बजने का जो टाइम है वो डिफरेंट है। पहला क्या कि हर एक 60 सेकेंड्स के इंटरवल में बजता है, और दूसरा वाला जो है हर एक 62 सेकेंड्स में बजता है। तो क्वेश्चंस में दिया गया है कि दोनों एक साथ कब पहली बार एक साथ बीप कब होता है? सुबह 10 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब दूसरी बार ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप एक साथ कब करेगी? ठीक है, तो चलिए मैं इसको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक दो अलार्म घड़ी है। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। आप लोग तो अलार्म घड़ी जानते ही हैं। तो अलार्म घड़ी में हम लोग क्या करते हैं? अलार्म घड़ी में हम लोग टाइम देते हैं सुबह उठने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह ये दो अलार्म घड़ी है। तो पहला अलार्म घड़ी क्या है? मतलब एवरी 60 सेकेंड्स में वो एक बार बीप होता है। ठीक है, मतलब 60 सेकेंड्स के इंटरवल में बीप होता है। और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 62 सेकेंड्स में बीप होता है। तो क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि दोनों एक साथ कब बीप होता है? सुबह 10 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब सेकेंड टाइम ये बीप कितना बजे करेगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर 10 AM द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप टुगेदर एट, ये दोनों का जो एलसीएम निकलेगा उसी टाइम वो दोनों एक साथ बीप होगा। तो मतलब क्या है, एट इक्वल टू कितना हो गया 60 का और 62 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो क्या इसका प्राइम फैक्टर इसके 2 3 60, 2 3 6 और 2 1 2। तो आप इसको क्या क्या मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, 2 × 3 30 × 31। तो कितना हो गया 2 × 3 30 60 × 31, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1860। और टाइम इंटरवल्स कितना सेकंड्स में? तो क्या गया 1860 सेकंड। मतलब क्या है, ये दोनों नेक्स्ट टाइम कब बीप करेगी? 1860 सेकंड्स के बाद करेगी। तो हम लोग को अभी ये इसको हम क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग को पता है 1 मिनट्स इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 60 सेकंड्स। देयरफॉर 1860 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच, 1860 और डिवाइडेड बाय 60। तो ये जीरो कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 से देंगे, 6 3 18 और 6 1 6, ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना निकला, 31 मिनट। मतलब क्या है कि ये दोनों बीप फर्स्ट टाइम बीप 10 बजे करती है, तो सेकेंड टाइम ये बीप कब करेगी, 31 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, आफ्टर 10 AM, आफ्टर 10 AM द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीप टुगेदर एट 31, दैट इज इक्वल टू 30 10 10 10 आवर्स 31 मिनट्स। तो ये मेरा ये इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया। थैंक यू।